एसडीएम ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए ली बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। शहर में प्लास्टिक का प्रयोग न करने बारे मुनादी करवाकर आमजन व दुकानदारों को करें जागरूक। एसडीएम आजादी अमृत महोत्सव की श्रृंखला में आगामी 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से शुक्रवार को एसडीएम बावल संजीव कुमार ने डीसी अशोक कुमार गर्ग के मार्गदर्शन में अधिकारियों, व्यापारियों, नगर पालिका व अन्य दुकानदारों की बैठक ली और आवश्यक निर्देश दिए। एसडीएम ने बीडीपीओ बावल को निर्देश दिए कि वे गांवों में मुनादी व घर घर जाकर ग्रामीणों को प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए जागरूक एवं प्रोत्साहित करें। उन्होंने एचएसएसआईडीसी विभाग को निर्देश दिए कि योजना के तहत प्रत्येक सेक्टर में कूड़ा निस्तारण के लिए जगह चिन्हित करवाएं। उन्होंने सचिव मार्केटिंग बोर्ड को निर्देश दिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि आगामी 1 जुलाई से सब्जी मंडी में किसी भी आढ़त की दुकान पर प्लास्टिक की थैली का प्रयोग न हो, आदेशों की अवहेलना करने वालों के चालान किए जाएं। एसडीएम ने सचिव नपा बावल को निर्देश दिए कि शहर में प्लास्टिक का प्रयोग न करने बारे मुनादी करवाकर लोगों को जागरूक करें तथा दुकानदारों को भी निर्देश दें कि वे प्लास्टिक थैली की बिक्री व प्रयोग न करें तथा अपनी दुकानों के आगे डस्टबिन रखवाएं। कूड़ा एकत्रित करने के लिए प्रतिदिन नियमित तौर पर गाड़ी भिजवाएं। उन्होंने सीडीपीओ को प्लास्टिक का प्रयोग न करने बारे जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को निर्देश दिए कि वे समय समय पर निरीक्षण करें तथा पॉलिथीन बिक्री करने वालों के चालान काटें। औद्योगिक इकाइयां सीएसआर फंड से आमजन को उपलब्ध कराएं कपड़े के थैले। एसडीएम ने सभी औद्योगिक इकाइयों से अपील की कि वे सीएसआर फंड से ज्यादा कपड़े के थैले आमजन को उपलब्ध कराएं। आरसीसीआई विभाग ने एसडीएम को 10,000 कपड़े के थैले उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने दुकानदारों से आह्वान किया कि वे तुरंत प्रभाव से प्लास्टिक का प्रयोग करना बंद कर दें व दुकानों पर डस्टबिन का प्रयोग करें तथा ग्राहकों को जूट का बैग प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। व्यापार मंडल नपा बावल ने एसडीएम को आश्वासन दिलाया कि वे 1 जुलाई से प्लास्टिक थैली का प्रयोग बंद कर देंगे तथा कपड़े व जूट के थैलों के प्रयोग को बढ़ावा देंगे। उन्होंने बावल के नागरिकों से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने का आह्वान किया। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 1 जुलाई से सिंगल प्लास्टिक यूज जो है बैन हो गया है और मैं सभी क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं कि 1 तारीख का इंतज़ार ना करें और उससे पहले ही कपड़े का थैला का इस्तेमाल करें। और ये जनहित में भी है कि जितना कम से कम प्लास्टिक की थैली और प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे वो पर्यावरण के लिए भी अच्छा है और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक संदेश है ये कि कुछ वर्षों पहले जब प्लास्टिक का इतना इस्तेमाल नहीं होता था तो आप उस समय के बारे में सोच सकते हैं कि कितनी बीमारियां कम थी, लोगों का स्वास्थ्य नेचुरल वे में कितने अच्छे तरीके से और जीवन यापन करते थे। इसलिए सभी से उम्मीद करूँगा कि 1 जुलाई का इंतजार ना करके प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें और कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें। धन्यवाद।